Hello everyone, today we are going to solve question number 7 of exercise 3.2 class 12th. Okay, question is find x and y if x plus y is equal to is a matrix 7 0 2 5 and x minus y is equal to 3 0 0 3. ठीक है, ये दो वैल्यूज गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है. लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ओके, अब देखो ध्यान से क्या कर देते हैं. चलो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को. ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. तो चलो तो ऐड कर देते हैं एक्स प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स हैं 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3. ठीक है, तो यहाँ देखो वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2x विच इज इक्वल टू, चलो ऐड कर देते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 + 3 कितना आएगा 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2 और 5 + 3 8 हो गया. चलो तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हाफ किधर जाएगा, डिवाइड में 1/2 हो जाएगा 10 0 2 8. तो ये हाफ सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर सभी मैट्रिक्स सभी एलिमेंट से. ठीक है, मींस 10 इधर बता देता हूँ, 10 × ½ होगा, 0 × ½ होगा, 2 × ½ होगा, 8 × ½ होगा. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10, 5 × 5 2 5 जा, ये 0 हो गया, ये 2 1 जा और ये 2 4 जा. तो अपनी आ गई x की वैल्यू. ठीक है, x की वैल्यू आ गई, तो क्या कर सकते हैं अब, y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में. चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x की जगह x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 5 0 1 4 प्लस y विच इज इक्वल टू 7 0 2 5. ओके, 7 0 2 5, तो ये मैट्रिक्स उधर माइनस में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4. ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स माइनस में आ गया, अब बस तुमको माइनस और करना है. तो 7 - 5 कितना 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1 और 5 - 4 किया तो 1. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेवंथ क्वेश्चन. ठीक है, अभी सेकंड पार्ट करेंगे. हाँ, तो इसी का सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में अपने को ये दो इक्वेशन गिवन है, लेट्स नेम देम एज फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, ये दो इक्वेशन गिवन है. ठीक है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3. ऐसा क्यों किया, देखो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा अपन ने 10th क्लास में, सेम वही करना है अपने को. क्या कर रहा है, x को इक्वल कर रहे हैं, तो अपनी y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से. चलो इक्वेशन फर्स्ट है, उसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 4x प्लस 2 3 जा 6y, और इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और ये आ गया 0. ठीक है, अच्छा सेम इधर किया, इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या आएगा 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू, 3 से सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 जा 6 और 3 × -2 करेंगे तो -6, 3 1 जा -3 आएगा, 3 5 जा 15. ठीक है, ये दो नई इक्वेशन बन चुकी है. ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन फोर्थ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाई सेम है और साइन भी सेम है, तो अपन क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट
equation third from equation fourth, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दें, ठीक है, फोर्थ ये है, थर्ड ये है, तो इसमें से ये वाली माइनस करते हैं, ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x प्लस 6y माइनस, इसको करेंगे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 4x प्लस 6y विच इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस होगा ना, तो ये 6 माइनस 3 15 माइनस 4 6 8 0, ठीक है, चलो तो ये क्या बनेगा, 9x प्लस 6y माइनस का 4x और माइनस ही 6y विच इज इक्वल टू, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस का 12 आएगा, ठीक है, कैसे आएगा ये, माइनस 6 माइनस 6 तो माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस 11 और 15 माइनस 0 मीन्स 15, ओके, देखो ये 6y कैंसिल हो गया, तो 9x में से 4x गया तो 5x विच इज इक्वल टू 2 माइनस 12 माइनस 11 और 15, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 5 किधर जाएगा, 1 अपॉन 5 में, तो 2 माइनस 12 11 और 15, अंदर 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 11 अपॉन 5 और 15 अपॉन 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 3, तो ये तो आ गई अपनी x की वैल्यू, ठीक है, अभी निकालते हैं अपन y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो तो 1 मिनट, तो ये लो y की वैल्यू, x की वैल्यू तो आई गई अपनी, ठीक है, ये रही, तो क्या करें, y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन दिख रही है, ये वाली इक्वेशन 2 जो x की वैल्यू आई वो पुट कर देते हैं, ठीक है, लिख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू क्या आई है, तो ये है x की वैल्यू 2 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 11 अपॉन 5 और 3, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी है, चलो तो ये हो गया अपना 2, x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस क्या आएगा 3y विच इज इक्वल टू 2 3 4 0, बस इसको सोल्व करना है, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये क्या बनेगा, 4 अपॉन 5 माइनस 24 अपॉन 5 11 टू जा माइनस 22 अपॉन 5 और ये हो गया 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, ठीक है, इसको उधर माइनस में भेज देंगे तो इस साइड में ओनली 3y बचा विच इज 2 3 4 0 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 24 अपॉन 5 माइनस 22 अपॉन 5 एंड 6, ओके, चलो तो अब इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा, क्या बनेगा फॉर्मेट, 2 माइनस 4 अपॉन 5, ठीक है, 3 एक माइनस ये रहा एक माइनस ये रहा, प्लस का हो जाएगा 3 प्लस 24 अपॉन 5, ठीक है, उसके बाद 4 ये प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 22 अपॉन 5 और ये 0 माइनस 6, चलो सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 अपॉन 5 क्या आएगा, 5 एलसीएम, तो 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6 अपॉन 5, ठीक है, अच्छा इसको सोल्व कर लो, 5 एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बनेगा 15, चलो सोल्व कर ही देता हूँ, यहाँ बना 15 प्लस 24 तो ऊपर कितना आएगा 39, ठीक है, नीचे एलसीएम लिया वही 5, फिर 5 4 जा कितना आएगा यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूँ, 4 प्लस 22 अपॉन 5 है,
5 4 20 प्लस 22 कितना हो गया 42/5, ठीक है। और ये माइनस का 6 है ही, ठीक है। तो ये 3y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 जाएगा उधर, 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस 6, ठीक है। तो 3 से अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सबको, मीन्स 6/5 ये 1/3 सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इधर कर देता हूँ, कैसे कैसे होगा, इधर कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो 6/5 है वो 1/3 से होगा, तो क्या आएगा 2/5, ठीक है। 39/5 है वो 1/3 से होगा, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा 13, तो क्या आएगा 13/5। जब ये 42/5 है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 तो कितना आया 14/5, ठीक है। जब माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 2 और ये आएगा माइनस का 2। दिस इज़ आवर आंसर, ओके। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।